नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आपको दादी यहां पर भीम आर्मी की। भीम आपको दादी यहां पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नोटियाल ने जिस तरीके से यहां पर बिहार में सरकार एक बार फिर से गिरकर दोबारा से बनी है, उस पर उन्होंने जो है सरकार को गरीब तबके के लोगों को लेकर के उन्होंने अपील की है। आपको दादी यहां पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो है को लेकर भी उन्होंने कहा है, और साथ ही आपको देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव जी को जो है उन्होंने धन्यवाद भी दिया और कहा कि भीम आर्मी के नेतृत्व में यहाँ पर बहुजन समाज की ओर से नई सरकार बनाने पर ये अवगत कराया जा रहा है कि अगर मजदूर, किसान, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अल्पसंख्यक आदिवासियों के और अगर सच्चे हितैषी हैं, आपसे उम्मीद है आप हमारी ये महत्वपूर्ण मांग को गंभीरता से लेकर इसको जो है सरकार में आते ही जल्द से जल्द लागू करें। आपके फैसले का इंतजार करूंगा और उसके बाद आंदोलन करने का भी उन्होंने यहां पर ऐलान किया है। पहाड़ों में हो रही बारिश को लेकर पीएमजेवाई विभाग ने यहां पर कमर कस ली है। अल्मोड़ा जिले के यहां पर विकासखंड सल्ट की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लेकर यहां पर पीएमजेवाई विभाग सल्ट आपदा को लेकर अलर्ट नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि यहां पर सहायक अभियंता आशीष भेतवाल ने यहां पर बताया कि मानसून सत्र की सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट की ग्राम पंचायत खुमाड़ में शहीद स्मारक बनाया गया है। आपको बता दें कि आजादी की लड़ाई में अपना यहां पर जो है सब कुछ न्यौछावर करने वाले खुमाड़ गांव की स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को उनकी शहादत की वर्षगांठ पर याद किया गया। 5 सितंबर 1942 को आपको बता दें कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर प्राणों की आहुति देने वाले दो सगे भाइयों खेमानंद और साथी गंगाराम के साथ बहादुर सिंह और साथी चूड़ामणि को भी जो है श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने यहां पर कुमाऊं भ्रमण की खुमाड़ के यहां पर स्वतंत्रता सेनानियों की गाथा को सुना तो उन्होंने इस कुमाऊं की वार डोली की यहां पर संज्ञा दी थी। सल्ट में ग्राम सभा खुमाड़ में शहीद स्मारक जो है स्थित है, लेकिन यहाँ बड़े बड़े नेता आते हैं वो उसकी आपने हालत देखी होगी, सारे पूरा बिल्डिंग जीर्ण शीर्ण हो गई, कोई देखने वाला नहीं। हर 5 सितंबर को मेला लगता है, अपने मेला लगा के चले जाते हैं, लेकिन वो बिल्डिंग कई को दिखा दी। सांसद तो खैर इधर आता ही नहीं है, सांसद की तो वो तो मोदी जी के वजह बस जीत रहे हैं, उनके तो हमने दर्शन भी नहीं करे 10 साल हो गए। स्मारक के लिए पहले भी काफ़ी पैसा मिला, उसके जो शहीद स्मारक समिति है वो उसकी देख रेख कर रही है, और ऐसा मुझे कोई उनकी तरफ से कोई सूचना नहीं मिली है कि भी इसकी खस्ता हाल है या उसमें कोई चीज़ की ज़रूरत है। तो अगर उनकी तरफ से कोई ऐसा मुझसे संज्ञान में कुछ आएगा तो हम उसमें पूरा प्रयास करेंगे कि उसका मरम्मत की जाए, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से मेरे से कोई। और चलिए बात अब मुख्यमंत्री धामी की करेंगे। आपको दादी यहाँ पर सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ग्राम बड़ा गांव में पहुंची और गांव में पहुंचने से यहाँ पर सूबे के मुखिया का सभी स्थानीय ग्रामीणों ने फूलमाला के साथ भव्य स्वागत किया। सीतूड़ सीता महायज्ञ के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ग्राम बड़ा गांव पहुंची। ग्राम सभा बड़ा गांव के सभी स्थानीय ग्रामीणों को यहाँ पर मुखिया ने धन्यवाद दिया। राज्य के मुखिया ने यहाँ बड़ा गांव में सीता मंदिर को लेकर घोषणा की है और 35 मिनट तक प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जनता के बीच रहे। समस्याएं क्षेत्र में, सड़क की समस्याएं, स्वास्थ्य की समस्याएं, अरे रुको ना, आगे लाने की बात हुई है यार, और इस गांव पर भगवान राम की कृपा है, सीता मैया की कृपा है, और जो राम राज्य का हम सपना देखते थे वो सपना निश्चित रूप से आज मोदी जी के कालखंड में आकार ले रहा है, आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे वो सब काम हो रहे हैं। और भर्ती परीक्षा में यहाँ पर रोक को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोटर स्टेशन चंपावत में प्रदर्शन किया। बीते दिनों सरकार की तरफ से 4,200 भर्तियों पर रोक लगा दी गई थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक चंपावत हमेशा खरकवाल के नेतृत्व में आपको बता दें कि यहाँ पर नारेबाजी करते हुए राज्य सरकार का पुतला दहन किया और इसी के साथ ही जल्द ही भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को नियुक्ति की भी मांग की है।
बेरोजगार युवाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ये कोई पार्टी विशेष के लोग नहीं है, ये पूरी पूरी तरह से पीड़ित नौजवान सड़क पर है। आपने देखा कल के अखबार की खबरें हैं, किस तरह से परीक्षाओं पर रोक लगा दी गई है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है, पिछले 8 माह से परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति नहीं हुई है। ये सरकार बहरी गूंगी और आंधी सरकार कानों में रुई डाल के बैठी हुई है और नौजवान सड़कों पर परेशान है। हम इस लड़ाई के माध्यम से आज एक सांकेतिक हमने इस सरकार का पुतला दहन किया है। इसके माध्यम से इस सरकार को सचेत करना चाह रहे हैं कि जो पूर्व की भर्तियां हैं, पीडीओ वाली भर्तियां हैं जिनमें लोगों ने मेहनत से निकाल रखी है, उनको तत्काल नियुक्ति दे। उत्तराखंड को 2025 तक ड्रग फ्री बनाने के लक्ष्य के साथ ही पुलिस विभाग में एंटी नारकोटिक्स का भी गठन कर दिया गया है, जो कि राज्य स्तर पर एसटीएफ की टीम के तौर पर काम करेगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये टास्क फोर्स एसएसपी के अंडर में काम करेगी और ड्रग डीलर्स पर कार्रवाई करने के साथ साथ ये टीम जन जन तक जागरूकता फैलाने का भी काम करेगी। साथ ही डीजीपी अशोक कुमार ने जनता से अपील की है कि अगर कोई एंटी ड्रग अभियान में कोई जानकारी या फिर अपना सहयोग देना चाहता है वो इन मोबाइल नंबर को जारी किया गया 94120295536 पर अपनी कंप्लेंट को दर्ज करवा सकता है। और थाना लेवल पे तो मल्टीटास्किंग वाले किंतु डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होगा पूरी तरह से ड्रग्स का काम करेंगे, उसके लेवल पे जो होंगे पूरी तरह ड्रग्स का काम करेंगे, उनको और कोई काम नहीं रहेगा, पूरी तरह से एंटी नार्कोटिक्स पे काम होगा। एक हमने एक पब्लिक के लिए हेल्पलाइन जारी की, व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई सूचना देना चाहे उसका अपना नाम गोपनीय में रखना चाहे तो इस पर दे सकता है, जो पहले भी जारी किया था। सरस्वती शिशु मंदिर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गदरपुर में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर हर घर तिरंगा जागरूकता रैली निकाली जा रही है और तिरंगा जागरूकता रैली का शुभारंभ विद्यार्थी संघ के नगर प्रमुख मुनि भूसरी की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के 75वें वर्ष पर आजादी का अमृत महोत्सव हर भारतीय को मनाने की बात कही है, जिनके सपने को साकार करने के लिए हर घर तिरंगा अभियान को लेकर ये जागरूकता रैली निकाली जा रही है। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष 15 अगस्त को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज सरस्वती शिशु मंदिर से तिरंगा यात्रा निकाली गई थी और इससे लोग जागरूक होंगे, हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है। मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि 13 से 15 अगस्त के बीच सब अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज लगाएं और एक मोदी जी का भी जो एक सपना है उसे भी साकार करें। जी, हमारे स्वतंत्रता दिवस की 75वां वर्षगांठ है और मोदी जी द्वारा एक संकल्प चलाया गया है कि हर घर अब की बार तिरंगा फहराना चाहिए। इस उद्देश्य से आज सरस्वती शिशु मंदिर गदरपुर द्वारा एक तिरंगा यात्रा निकाला गया था, जो बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ और लोगों को जागरूक करने के लिए संदेश दिया गया कि हर घर में अब की बार जो तिरंगा लगाया जाए। ये था भारत सरकार के आदेश थे कि ये अमृत महोत्सव के रूप में ये वर्ष मनाया जाएगा, उसी के अंतर्गत हमने ये तिरंगा रैली निकाली है। इसमें पत्रकार बंधुओं का, शहर के नागरिकों का, प्यारे बच्चों का, सबका सहयोग रहा है, उसके लिए सब धन्यवाद के पात्र हैं। भारत में जो है राष्ट्र के प्रति लोगों की भावना जगे और आगे भी जो है ऐसे कार्यक्रम होते रहे। और चलिए बात हरिद्वार की करेंगे। देश आजादी का महोत्सव बड़ी धूमधाम से मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से अपील की है कि हर घर तिरंगा लहराए। प्रधानमंत्री के आह्वान से ही आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा लहराने का काम किया जा रहा है और इसी को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी की इस मुहिम से अलग भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाल रही है। आज धर्मनगरी हरिद्वार में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली और इसमें अपना सहयोग दिया। वहीं हरीश रावत ने तिरंगा यात्रा और साथ ही बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। ये तिरंगा यात्रा एक महान भारत बनाने के संकल्प के साथ निकाली गई यात्रा है। आजादी के 75 साल हो रहे हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की 80 वर्षगांठ है, उस पर हमने ये तिरंगा यात्रा निकाली है। गांव गांव, घर घर, मोहल्ले मोहल्ले, बाखली बाखली, हर जगह निकाली है।
आज लाखों लाख कांग्रेस जन हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के आज़ादी के मतवालों की तरीके से भारत माता की जय हो, हम हैं सब भाई भाई के नारे के साथ निकल। हरिद्वार के कोतवाली रानीपुर क्षेत्र के गढ़ी मीरपुर के गढ़ में यहां पर गो स्क्वाड और साथ ही कोतवाली रानीपुर पुलिस संयुक्त टीम ने यहां पर गढ़ में आम के बगीचे में गौकशी कर रहे 3 गौ तस्करों को धर दबोचा है। आपको बता दें कि 3 जिंदा गोवंश और साथ ही 3 मरे गए यहां पर जो है गोवंशों के अवशेष बरामद किए। आपको बता दें 3 शातिर गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि 2 आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहे। ये वाकया आज का है, तो आज सुबह जो हमारी गढ़वाल परिक्षेत्र की गौवंश की टीम है जो यहाँ हरिद्वार में काम करती है, इनको मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि पथरीरोह पुल जो कि रानीपुर में पड़ता है उसके पास यहाँ पे गौवंश काटा जा रहा है। तो करीब सुबह 4 बजे इन लोगों ने दबिश मारी। दबिश मारने पर इन्हें वहाँ से 145.3 kg के करीब तो गौवंश मिला है और इन्हें 10,900 रुपये नकदी मिला है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 6 गाय थी, 6 में से 3 ये तब तक काट चुके थे जो हमारे अपराधी हैं और 3 गायों को इन्होंने सुरक्षित बचाया है। तो ये एक जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें कोतवाली रानीपुर की टीम थी और जो हमारी गढ़वाल परिक्षेत्र की जो गौवंश वाली टीम है उनका ये कंबाइन एफर्ट था। इसमें 3 अभियुक्त को पकड़ा है इन्होंने जिनके नाम है रियासत उर्फ बाला जो 50 वर्षीय है, कल्लू सन ऑफ इशाक जो 56 ईयर्स का है और शाजिद सन ऑफ ईसाई जो 40 वर्ष का है। और इसमें अभी 2 लोग फरार चल रहे हैं और उन 2 के लिए भी हम लोगों ने पूरी प्रॉपर टीम हम लोगों ने बना दी है। और चलिए बात लक्सर की करेंगे। आपको बता दें कि 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के तर्ज पर लक्सर में भी तहसील प्रशासन की तरफ से नगर पालिका विकास विभाग और शिक्षा विभाग के साथ संयुक्त रूप से तहसील मुख्यालय से लेकर ब्लॉक मुख्यालय तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में दर्जन भर स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान वंदे मातरम भारत माता की जय हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। तिरंगा यात्रा की अगुवाही कर रहे लक्सर SDM गोपाल राम बिनवाल ने कहा कि देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा लहराया जाएगा। के सुअवसर से पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर शासन प्रशासन के निर्देश पर 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान का आगाज किया गया है। पूरे भारतवर्ष में हर घर तिरंगा फहराए जाने का एक सपना देखा गया है, उस सपने को पूरा करने के लिए आज यहां पर NCC NSS और स्काउट गाइड के कैडेट्स जो इस क्षेत्र के विद्यालय के विद्यार्थी हैं उनके माध्यम से एक जागरूकता अभियान लक्सर क्षेत्र के अंतर्गत निकाला गया है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष धर्मपाल सिंह और साथी PCC सदस्य डॉक्टर उमादत्त शर्मा की अगुवाही में लक्सर में 35 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा लक्सर नगर की बालवाली तिराहे से शुरू होकर बसेड़ी सेठपुर हिराणा खेड़ी आदि गांवों से होती हुई एथल गांव में संपन्न हुई। यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय कांग्रेस जिंदाबाद भारत जोड़ो BJP भगाओ के नारे लगाए और इस मौके पर जिलाध्यक्ष धर्मपाल सिंह ने कहा कि BJP ने देश में जातिवाद धर्मवाद और साथ ही क्षेत्रवाद का जहर घोलकर माहौल खराब कर दिया है। 1942 में महात्मा गांधी ने यह नारा दिया था कि देश के नौजवानों अंग्रेजों को भगाओ। उन्होंने अंग्रेजों को भगाने का संकल्प लिया था। आज हमारी परम आदरणीय सोनिया गांधी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षता है उन्होंने नारा दिया है आज देश के अंदर कि देश को जोड़ो, हम आज भारत को जोड़ो भारत यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं तिरंगा यात्रा कि ये देश भारत देश सबका देश है, किसी व्यक्ति विशेष का देश नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग खिलवाड़ कर रहे हैं हिंदुस्तान की जनता के लिए वो उनके लिए दुखदायी होगा, इसलिए आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस टाइप का है कि हमारे देश के अंदर जो पहले जो भारत आज़ाद हुआ था जनता ने जो है अंग्रेजों को यहाँ से भगाया था, कांग्रेस पार्टी जब तक चलती रही तो तब तक देश के अंदर शांत वातावरण बना रहा, आज की स्थिति इस प्रकार की आ गई देश के अंदर अशांति फैल गई। तो हमारी सोनिया गांधी ने तय किया
कि एक नारा स्त्री इस प्रकार का देश के अंदर जाना चाहिए जो हम एक हो, कांग्रेस एक हो, हिंदुस्तान एक हो, सब पार्टी एक हो, क्योंकि एक जो है उसे कहते हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगर हैं तो एक है हिंदुस्तान, और अगर एक नहीं है तो हिंदुस्तान एक नहीं है, इसलिए एकता यात्रा निकाली जा रही है। और चलिए बात लक्सर की करेंगे। भाई बहन के अटूट प्यार का पर्व रक्षाबंधन जैसे जैसे नज़दीक आता जाता है तो लोग भी वैसे ही तैयारी कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर नगर के बाजारों में राखियों की दुकानें सजनी शुरू हो गई थी। नगर के बाजारों में स्वदेशी की भरमार है। इस बार सबसे खास बात ये देखी जा रही है कि लोग विदेशी, खासतौर पर चाइनीज राखियों का बहिष्कार कर रहे हैं। स्वदेशी राखियों को ही यहाँ पर तरजीह दी जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि यहाँ पर वैसे इस बार उन्होंने चाइनीज राखियों को खुद ही नज़रअंदाज कर दिया है। लोगों में देशभक्ति का जज्बा बढ़ा हुआ है और इसी का सीधा असर मार्केट में भी देखा जा रहा है। भारत की बनी हुई राखियों की डिमांड है और चाइनीज तो बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे और सारी राखियाँ सब अपनी स्वदेशी बिक रही है। क्या आप इस बार पूरा बहिष्कार करते हैं चाइनीज माल का? नहीं, हम तो करते थे शुरू से ही, लेकिन क्या गए समय के साथ चलना पड़ता था। हम तो भेजी पिछले साल से ही बंद कर दिया चाइना का माल लाना। दारा हटी है जब से अपना स्वदेशी माल ही यूज हो रहा है, कोई अदर माल को यूज नहीं हो रहा। चाइनीज राखियाँ बिल्कुल नहीं होगा साहब, बिल्कुल। चलिए बात मंदसौर की करेंगे। आपको बता दें कि मंदसौर नगर पालिका परिषद की यहाँ पर निर्विरोध अध्यक्ष बनी रमा देवी गुर्जर को 34 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के पास कुल 29 प्रत्याशी, 8 कांग्रेस और साथ ही 9 यहाँ पर बता दें कि 3 निर्दलीय पार्षद थे, जहाँ पर कांग्रेस ने भी यहाँ पर क्रॉस वोटिंग कर दी है। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष पद पर बीजेपी के नम्रता चावला बनी है और वहीं कांग्रेस को कुल 7 वोट मिले हैं, यानी कि कांग्रेस पार्षद ने भी यहाँ पर अधिकृत प्रत्याशी को अपना जो है वोट नहीं दिया है, क्रॉस वोटिंग कर दी है। और आज के नतीजों से कांग्रेस में एक बार फिर से गुटबाजी सामने आई है। अब मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष और साथ ही उपाध्यक्ष पर बीजेपी का ही कब्जा हो गया है। मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी की जो कार्य योजनाएं है, मध्य प्रदेश सरकार की जो, और हमारे नगर पालिका की जो भी काम विकास कार्य है वो सब हम मिलकर करेंगे, हमारे पार्षद करेंगे, भारतीय जनता पार्टी। मंदसौर नगर की जटिल व्यवस्था जो साफ सफाई है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे उन सभी कार्यों पे हमारी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता वो इसी संकल्प के साथ चुनाव मैदान उतरा था कि वो जो भी हमारे वार्ड से लेकर के। चलिए बात सागर की करेंगे। आपको बता दें कि देवरी कलां दिल्ली से नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सागर के बाद से ही नरसिंहपुर सिवनी होते हुए नागपुर नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को इसका रूट बदलने का प्रस्ताव भेजा है। इसमें कहा गया है कि यहाँ पर कॉरिडोर का मेन रूट तो यहाँ पर दिल्ली से सागर तक पहले की तरह ही रखें, लेकिन सागर के आगे ये बिना विदिशा, भोपाल, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल होते हुए नागपुर तक बनाया जाए। इस संबंध में यहाँ पर देवरी विधायक हर्ष यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। मध्य प्रदेश सरकार ने ये जो रूट बदलने का प्रस्ताव भेजा है, इस प्रोजेक्ट को अचानक बदलने से बुंदेलखंड के पिछड़े क्षेत्र का समग्र आर्थिक और साथ ही सामाजिक विकास कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। इस यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से यहाँ पर सागर जिले सहित यहाँ पर नरसिंहपुर सिवनी जिले को यहाँ पर बंद जो है किया जा रहा है। लगातार क्षेत्र के साथ ही सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान जो है उसकी जागरूकता के लिए एक रैली का आयोजन किया गया है आज, और न्यायालय के सभी अधिकारीगण और कर्मचारीगण उसमें सम्मिलित हुए हैं। संदेश यही है कि भाई इस अमृत महोत्सव पर हर घर पर तिरंगा होना चाहिए और इस पर्व को खुशी, हर्ष और उल्लास के साथ मनाना चाहिए। चलिए बात उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की करेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत तो चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान की रौनक चारों तरफ देखी जा रही है। कुछ लोग जहां खुद झंडे खरीदकर अपने घरों और साथ ही प्रतिष्ठानों पर लगा रहे हैं, तो वहीं जो लोग झंडे खरीदने में सक्षम नहीं हैं, ऐसे लोगों के घरों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपने खर्चों पर ही तिरंगे झंडे को लगा रहे हैं। सहारनपुर की चुलकाना रोड पर स्थित घुमंत जाति के यहाँ पर गरीब लोगों की यहाँ पर सैकड़ों झोंपड़ियों में आज बीजेपी नेता शशि बालिया और साथ ही अन्य कार्यकर्ताओं ने तिरंगे झंडे लहराए हैं।
और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर उनसे बातचीत भी की। बीजेपी नेता शशि वालिया का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चलाए जा रहे हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत सभी को इसमें शामिल होना चाहिए। हमारे यशस्वी और बहुत ही श्रद्धा के योग्य आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था कि हर घर तिरंगा, तो हर घर तिरंगा के कार्यक्रम के तहत जो भारतीय जनता पार्टी का एक मुहिम है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने अपने साथियों के साथ उन घरों पर झंडा लगाने का काम किया है जिनको बहुत से लोग जान भी नहीं पाए। और सहारनपुर के वार्ड नंबर 67 की घनी आबादी वाली यहां पर कॉलोनी इनाम कॉलोनी में 3 दिन पहले ही ट्रांसफार्मर फूक गया था, जिसके बाद से ही चिपचिपी गर्मी में यहाँ पर क्षेत्र वासियों का जीना मुहाल हो रहा था। और आपको बता दें कि यहाँ पर जिनकी समस्या का आज समाधान कराया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर वार्ड 67 में सोमवार को जो है 100 केवी का ट्रांसफार्मर फूक गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर कॉलोनी वासी गर्मी और साथ ही अंधेरे में रहने को मजबूर हो रहे थे। क्षेत्र के लोगों से यहाँ पर जब 2 दिन के प्रयास के बाद भी समस्या हल नहीं हो पाई, तो मंगलवार देर शाम कॉलोनी निवासी वार्ड 67 के यहाँ पर भावी पार्षद प्रत्याशी अकरम मलिक के पास पहुंचे और उसने समस्या का समाधान कराया। ट्रांसफार्म 3 दिन तक रुका हुआ था, इनाम कॉलोनी के लोग थे और रात के बहुत परेशान लोग थे, गर्मी की बहुत हालत खराब है, तो ये आए थे। तो उच्च अधिकारियों से बात करके ट्रांसफार्म का इंतजाम किया गया और 250 के ट्रांसफार्म की भी प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। इंशाल्लाह जल्दी 250 का ट्रांसफार्म भी। शाजापुर जिले में अल सुबह से ही बारिश ने दस्तक दी है, जिसके चलते बताया जा रहा है कि शाजापुर जिले के आसपास के क्षेत्रों में नदी नाले शिवपुरी जिले के खनिया थाना में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के दौरान पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के सम्मान और जागरूकता को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि खनिया थाना पुलिस, बीजेपी कार्यकर्ता और साथ ही नगर के गणमान्य नागरिकों के साथ तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस विभाग के कर्मचारियों और साथ ही आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस अवसर पर सभी नगरवासियों को अपने अपने घरों पर तिरंगा लगाकर इस अमृत महोत्सव को सफल बनाने की भी अपील की।
जिले के कलेक्टर होने के नाते और आप सबसे लगातार जुड़े होने और आपके परिवार के एक सदस्य के माफिक होने के नाते सब लोगों से अनुरोध करता हूं और अपील करता हूं कि 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में हर घर तिरंगा फहराएं, घर घर तिरंगा फहराएं। जब हर घर और घर घर तिरंगा की बात हो रही है तो वो मकान होगा, वो दुकान होगा, वो प्रतिष्ठान होगा, ऐसी हर एक बिल्डिंग होगी जिस पर आप फहराना चाहें उस पर फहराइए, कोई ज़रूरी नहीं। घर तिरंगा अभियान चलाया है अमृत महोत्सव के उत्सव पर, हम हर घर में झंडा तिरंगा झंडा लगाने का प्रयास कर रहे हैं और हर घर तिरंगा लगाएंगे। इस उपलक्ष्य में आज हमारी 1 बजे बैठक थी, उसके बाद 2 बजे हमने ये अपने कार्यालय से रैली निकाली है। ये बस स्टैंड होते हुए टेकरी मंदिर पर और टेकरी मंदिर से होते हुए गांधी चौक पूरा लेके निकाल कर और थाने के सामने से हम कार्यालय वापस आए हैं। हमारा लगभग प्रयास आपका क्या कार्यक्रम रहा है? आज आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के तहत कस्बा धनिया लाना में पुलिस, पत्रकार बंधु, आम नागरिकों के द्वारा कस्बा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत रैली निकाली गई। इसमें कस्बा के लोगों ने, पत्रकार बंधुओं ने, पुलिस अधिकारी कर्मचारी सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सर और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर होने वाली भारत जोड़ तिरंगा यात्रा के तहत अनुकीर्ति गुसाई रावत ने यहां पर लैंसडाउन में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया है, जिसमें काफ़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। आज की जो तिरंगा यात्रा है वो संदेश देती है कि जो भारत की पहचान है, जो भारत का अस्तित्व है, वो भारत की अखंडता में, अनेकता में, एकता में, और अखंड भारत की इस कल्पना को करते हुए भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का आह्वान हमारे राष्ट्र अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया था और आज पूरे देश के अंदर इस यात्रा को, इस पदयात्रा को जगह जगह पर किया जा रहा है। उसी प्रकार हमारे प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष किरण मेहरा जी के निर्देश अनुसार उनके नेतृत्व में ये यात्रा हमने लैंसडाउन विधानसभा के अंदर रिकड़ीखाल ब्लॉक में गांव से गांव, क्योंकि ये पहाड़ी विधानसभा है तो हर गांव से गांव पैदल चलकर इस पदयात्रा को पूरा किया है। और मुझे खुशी है कि लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, देश प्रेम की जो वो भावना है उसको जगाने का काम हमने इस यात्रा के माध्यम से किया है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ये यात्रा पूरे देश में सफल होगी। उत्तराखंड में कुछ समय पहले शिक्षा विभाग में एक बड़ा फैसला लिया गया था, उस फैसले के तहत अंग्रेजी में यहाँ पर विज्ञान की पढ़ाई सरकारी स्कूलों में कराई जानी थी, वहीं अब जाकर शिक्षा विभाग ने इसमें यहाँ पर यू टर्न ले लिया है और सरकारी स्कूलों में विज्ञान की पढ़ाई को अंग्रेजी में ही कराए जाने की बाध्यता को खत्म कर दिया है। आपको बता दें कि पहले विज्ञान की पढ़ाई अंग्रेजी में ही कराने का फैसला लिया गया था और अब शिक्षा जो है विभाग ने इस फैसले को बदल दिया और साथ ही यहाँ पर छात्रों को सुविधा और साथ ही उनकी मांग के अनुसार हिंदी या फिर अंग्रेजी किसी भी भाषा में विज्ञान विषय पढ़ा सकते हैं। देखिए ऐसा है कि दोनों ऑप्शन हमने दे दिए हैं कि जो बच्चा अंग्रेजी में पढ़ना चाहता है वो अंग्रेजी में पढ़ सकता है, जो बच्चा हिंदी में पढ़ना चाहता है वह हिंदी में पढ़ सकता है। अब बच्चे को हमने दोनों ऑप्शन दे दिए। विदिशा जिला की आपको बता दें कि यहाँ पर कुरवाई विकास खंड की ग्राम पंचायत छपारा में आपको बता दें कि यहाँ पर छपारा टपरा पर निकाली गई तिरंगा यात्रा देश में जो है मनाए जा रहे 75वीं अमृत महोत्सव के दौरान आज ग्राम पंचायत छपारा में जो है निकाली गई है और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर छपारा टपरा पर स्थित प्राथमिक शाला के बच्चों और साथ ही शिक्षक सुरेंद्र व्यास की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बच्चे यहाँ पर जो है तिरंगे को लेकर वंदे मातरम के नारे लगाते हुए चल रही थी और कार्यक्रम में यहाँ पर सरपंच प्रतिनिधि सोनू चढ़ार, सरपंच प्रतिनिधि बाबई खुर्द चंद्रभान सहित यहाँ पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। और चलिए बात अब नीमच की करेंगे। आपको बता दें यहाँ पर जीरन नगर परिषद में तीसरी बार कांग्रेस की सरकार बनी है। इस दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामकरण सगवारिया के पदभार ग्रहण का भी कार्यक्रम जो है आज संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में नवनिर्वाचित अध्यक्ष की तरफ से पहले मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई, फिर शुभ मुहूर्त में अध्यक्ष कक्ष में यहाँ पर पहुंचे। पदभार ग्रहण किया
कार्यक्रम के दौरान सभी 14 नवनिर्वाचित पार्षदों का भी स्वागत किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष सगवारिया के ने यहाँ पर मंचासीन अतिथियों को भी यहाँ पर आभार प्रकट करते हुए कहा है कि यहाँ पर जीरन नगर परिषद को स्वच्छ एवं भ्रष्टाचार मुक्त देखना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर परिषद के समस्त कर्मचारियों से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का भी कोई भी कैसा भी भ्रष्टाचार ना करे, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पूरे जीरन नगर में खुशी है बिना भेदभाव के और हर पार्टी वाला इनकी तारीफ कर रहा है क्योंकि अगले अभी 5-6 साल में सब भ्रष्टाचार का धारा बढ़िया था, हर काम में भ्रष्टाचार हो रहा था, छोटे छोटे काम में भ्रष्ट लोग, दलाल लोग नगर पालिका में सक्रिय यही नजर आते थे, सुबह से आकर पीढ़ियों पर बैठ जाते थे, अब उनका खात्मा हो गया। इसलिए सबसे बड़ी खुशी है कि रामकरण जी के आने के बाद में इन्होंने पहली घोषणा भी यही करी है कि भ्रष्टाचार, एक रुपया अगर किसी ने कर्मचारी दूसरे ने कर दिया तो घर बिठा दूंगा, तो ये हमको बहुत बड़ी ऊर्जा मिली इस बात से और बिल्कुल इस बात में इनका सहयोग करेंगे भ्रष्टाचार के विषय में। का मैदान नहीं था, ये विचारों की लड़ाई है। भाजपा के भी हमारे अच्छे मित्र हैं, कांग्रेस के भी आपस में अच्छे संबंध है और जिरन एक बहुत बड़ा है शांति नगर, यहाँ कोई ज़्यादा प्रतिष्ठित स्पर्धा नहीं है। बाकी कुल मिलाकर जो अध्यक्ष के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिले में दो बार रह चुका हूँ, दोनों बार इतनी बड़ी बड़ी योजना लाया लेके आया हमें और वो योजना बनाने में मेरे 5 साल पूरे हो गए और जब दूसरा बना उसके मैं कम से कम 8-9 करोड़ की योजना छोड़ के गया और इन्होंने 5 साल में एक भी ऐसी योजना नहीं बनाई और शासन की तरफ से इतनी बड़ी बड़ी योजना है उसका प्रयास करके लाने वाला चाहिए और जीवन में विकास की कोई कमी नहीं आएगी। पैसे कहाँ से आते हैं, किससे आते हैं, ये सब मेरे को जानकारी है। और यहाँ पर चलिए बात करेंगे, रुड़की में रक्षाबंधन को लेकर बाजार सज चुके हैं और आपको बता दें कि राखियों से भी यहाँ पर दुकानें सजी हैं, सभी बहनें राखियाँ खरीदारी करने को लेकर बाजार में पहुँच रही हैं। बाजारों में महिलाओं सहित यहाँ पर खरीदारी करने के लिए काफ़ी भीड़ देखी गई। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर रुड़की के बाजारों में चारों तरफ अलग अलग प्रकार की राखियाँ देखी जा रही हैं और कोरोना काल के 2 साल के बाद से ही इस बार ये माना जा रहा है दुकानदारों की तरफ से कि उनकी इस बार जो है उनका कारोबार अच्छा हो सकता है। साथ ही दूसरी तरफ महिलाओं का भी यहाँ पर कहना है कि इस बार कोरोना काल के बाद रक्षाबंधन अच्छे तरीके से और धूमधाम से मनाया जा रहा है और आपको बता दें कि यहाँ पर सभी बहनों ने कहा है कि उन्होंने अपने भाइयों के लिए राखियाँ खरीदी और आपको बता दें कि बाजारों में इस बार रौनक देखी जा रही है। चारों तरफ बाजार जी, बट ये है कि 2 साल के बाद कोरोना के बाद मार्केट खुली है, बहुत अच्छा लग रहा है, सब इधर उधर राखियाँ दिखाई दे रही है, कोरोना में तो हम निकल नहीं पाए बट अभी पूरी शॉपिंग कर रहे हैं। और चलिए बात अब अगली खबर की करेंगे। आपको तो यहाँ पर बड़ा मलहरा में मुस्लिम समुदाय के पर्व मुहर्रम पर नगर में ताजिया निकाला गया और साथ ही उर्दू की 1 तारीख से ही यहाँ पर ताजिया बनाने का काम भी शुरू हो जाता है। उर्दू की 7 तारीख तक काम पूरा हो जाता है, उसके बाद 7 तारीख से यहाँ पर 10 तारीख तक मुहर्रम पर्व पर जो है इमाम हसन हुसैन की याद में तकरीर प्रोग्राम किया जाता है और साथ ही आपको बता दें कि 8 तारीख को नगर की यहाँ पर जामा मस्जिद में अलाव खेला गया और नगर बड़ा मलहरा में भी यहाँ पर मुहर्रम पर्व को लेकर सभी में यहाँ पर खुशी का माहौल देखा गया और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी यहाँ पर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए गए थे। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही, नमस्कार।